नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अडानी विलमार लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसके प्राइस चल रही है 461 और आज के दिन इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट देखने को मिला है, अप ट्रेंड देखने को मिला है। दोस्तों सेकंड नंबर का जो स्टॉक है वो है अडानी पावर लिमिटेड, जिसके प्राइस चल रही है 152 और इस स्टॉक में आज के दिन ऑलमोस्ट 6.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों ऑलरेडी हमने अडानी पावर और अडानी विलमार इस पर 8 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, जहां क्लियर कहा था कि आप इस स्टॉक में एंट्री बना के चले, आपको अडानी पावर में और अडानी विलमार में ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो हमें इस टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 15% तक के टारगेट देखने को मिल चुके हैं अडानी विलमार में, और अडानी पावर में भी 15% तक के टारगेट देखने को मिल चुके हैं। दोस्तों आज के वीडियो में अडानी पावर और अडानी विलमार के बारे में जानेंगे कि हमें ये दोनों स्टॉक में ऊपर की तरफ और कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्या हमें इस टाइम पर अडानी पावर और अडानी विलमार के स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अडानी विलमार लिमिटेड स्टॉक में क्या न्यूज है और अडानी पावर के स्टॉक में क्या न्यूज है। लेकिन ये दोनों स्टॉक के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों अडानी विलमार में जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, सनफ्लावर ऑयल का जो इम्पोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है यूक्रेन और रशिया से, जहाँ 70% इम्पोर्ट होता है यूक्रेन से और 70% इम्पोर्ट होता है रशिया से और 20% इम्पोर्ट होता है यूक्रेन से। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें अडानी विलमार में देखने को मिला है। अगर आपने नोटिस किया है तो आप देख सकते हैं कि जब वॉर चल रहा था, मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, तब हमें अडानी विलमार में इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा था अडानी विलमार का स्टॉक, और जैसे ही अडानी विलमार ने 17 मार्च के दिन ब्रेकआउट दिया इस कंसोलिडेशन को, उसके बाद में हमें कंटिन्यू इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया था, जब इसमें इस प्राइस पर 360 की प्राइस पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, तब हमने वीडियो बनाया था और क्लियर कहा था कि आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं 340 का SL मेंटेन करके, और उसके बाद में हमें इस स्टॉक में जो अपट्रेंड देखने को मिला है वो तो आपके सामने है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का अपट्रेंड देखने को मिल चुका है अडानी विलमार के स्टॉक में। अब बात यहाँ पर आती है कि हमें इस स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों इसने अपना ऑल टाइम ब्रेक कर दिया है फ्राइडे के दिन, और लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, नीचे क्लोजिंग दी थी, वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है अपने ब्रेकआउट के ऊपर। दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में 420-430 के प्राइस पर एंट्री ली हुई है तो दोस्तों आपको कंपलसरी 415 का SL मेंटेन करना है, क्योंकि जो पहले रेसिस्टेंस था वो अभी बन चुका है सपोर्ट, इसलिए आपको 415 का SL मेंटेन करना है। 415 का SL मेंटेन करके आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होल्ड करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जो है अडानी पावर, जिसके प्राइस चल रही है 152 और इस स्टॉक ने भी आज के दिन 6.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों इसमें ऑलरेडी दो न्यूज थी जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी देखें, जहां अडानी पावर में क्या न्यूज थी वो मैंने क्लियर बताई थी। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की। जैसा कि इसने ऑलरेडी लास्ट वीक में ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दी थी, और अभी हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जो अपट्रेंड देखने को मिल रहा है वो कहाँ तक देखने को मिल सकता है। दोस्तों अडानी पावर में ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस है वो है 168 की प्राइस पर, 169 की प्राइस पर। हो सकता है हमें अडानी पावर में अभी 160 और 165 के भी टारगेट देखने को मिले, लेकिन अगर आपने इस स्टॉक में एंट्री ली हुई है तो दोस्तों आपको इस स्टॉक में 135 का SL मेंटेन करना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर आपने इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंट्री ली हुई है
तो आपको 135 का एसएल मेंटेन करके इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर अडानी पावर 169 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में ऊपर की तरफ 200 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था वो मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूँ। आज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।